लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते, तुम पर रमजान का महीना आया है जो नहायत बाबरकत है, उसके रोजे तुम पर फर्ज फरमाए हैं, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को बांध दिया जाता है, इसमें एक रात है जो हजार महीने से अफजल है। ये कहते हुए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को मुबारकबाद पेश करते, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी हदीस मुबारका को सामने रख कर माह रमजान की एक दूसरे के मुबारकबाद देने को आपने बतौर दलील यह हदीस मुबारका पेश फरमाई कि इससे ये बात वाज़े होती है कि माह रमजान की मुबारकबाद हम एक दूसरे को दें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही माह रमजानुल मुबारक आता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते, लोगों तुम्हारे पास रमजान तमाम महीनों का सरदार आ गया, हम उसे खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। सरकार माह रमजान का इस तरीके से इस्तकबाल फरमाते, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम आमद रमजान पर खुतबा भी इरशाद फरमाते और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को माह रमजान मुबारक की अजमतें बताते, उनकी बरकतें बताते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे की जो माह रमजान की आमद पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, वो खुतबा आपको हमारी सीडी के अंदर मिल जाएगा। आप उस खुतबे को जरूर भी जरूर समाज फरमाएं, इसलिए कि अगर मैं उस खुतबे ही को बयान करूं आपके सामने जो रसूल आजम देते थे तो उसी खुतबे पर मेरी सारी गुफ्तगु मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन चलिए मैं खुतबे के कुछ इक्तिबासात आपके गोश गुजार कर दूं ताकि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुतबे का फायदा और उसके सवाब को भी आप जहन में महफूज कर सकें। गौर से सुने और ये बात खास तौर पर मैं अर्ज करूं, मुसलमान आज जहां पर है, जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन पर वो न होता अगर मुसलमान कुरान मुकद्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करता, रब के फरमान को दिलो जान में जगह देता और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर फरमान को काबिल अमल समझकर उस पर अमल करता। आज हमारी सोच अलग है, साइंस के जरिए कोई बात समझाई जाए तो मान लेते हैं, लेकिन अगर इतना कहा जाए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ठीक है बिल्कुल इस तरीके से कर देते हैं। जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही, उनके फरमान के हवाले से सुनते ही हम दिल में उसको जगह दें और प्रैक्टिकल तौर पर उस पर अमल करें तो नतीजा वही जाहिर होगा जो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आइए मैं खुतबे के हवाले से बता दूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर जो खुतबा तफसी खुतबा इरशाद फरमाते थे, उस खुतबे के हवाले से कुछ बातें समाप्त फरमाएं। शाबान के आखिरी दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते हुए सहाबा से सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक नहायत ही मुबारक माह साया फगन होने वाला है, उसमें एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने उसका रोजा फर्ज फरमाया और उसमें कयाम को सवाब और अज्र के काबिल बनाया। जो शख्स उसमें किसी नेकी के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब चाहेगा वो उसकी मिस्र दर्जा पाएगा जिसने किसी दूसरे में महीने में फर्ज अदा किया हो। हमारे वीडियो को
लाइक शेयर जरूर करिए।